बैठे हैं? कहाँ बैठे हो आप बताओ? यहाँ बैठे हैं, हम हाथ में बैठे हैं मंदिर में, और थोड़े लोग सो गए हैं जो पटाए हैं बेचारे, और वहाँ पे हो रहे हैं वो भजन, सभी लोग सो रहे। ये देखो, ये दीदी को देखो, और वो दीदी बैठी। सभी लोग सो गए हैं अभी, थोड़े लोग मतलब जिनको ज़्यादा ही नींद आ रही है शायद। हमारा खाना पीना भी हो गया था और हम अभी ऐसे ही बैठे हैं और वहाँ पे हो रहे भजन। थोड़े बहुत लोग सो गए हैं और हम लोग अभी उठे ही हैं, और ठंडा भी बहुत हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडा हो रहा है और बाहर से पूरा खुला है। ये लोग सो गए हैं और कुछ लोग उठे ही हैं और वहाँ पे हो रहे हैं भजन, और वहाँ पे चली है ये धुनी, और वहाँ पे हैं हमारे इष्ट देवता। सभी हमारे देवी देवताओं का मतलब कि सभी देवताओं के औजार हैं वो, सब धुनी जली है और वहाँ पे है मंदिर। और इनके काम हो रहे हैं हर किसी को कम्बल देने के, कम्बल मैंने भी मांग लिए हैं अपने लिए। ये दीदी और मैं एक दूसरे की कहते मजाक बनाने में लगे। एक वो तीर में वो बैठी है, मतलब बीच में वो, तीर में मैं, दोनों मतलब सभी लोगों की। एक वो दीदी है वहाँ से दे रही है सूचना, एक वो वहाँ पे है, एक वो वहाँ पे है, हर कोने में। तू मामू के अपने कहने घर जावे देख क्या हो। सुबह और हमारी तैयारी हो रही है घर को जाने की, तो जय इष्ट देवता की। अब हमारा सफर हो रहा है घर की तरफ, आने लग गए हैं। गुस्से चले जाओगी क्या मुंह में ही? ना ना, ये लग गए हैं पतिदेव पैदल पैदल, और यहाँ से करिए ये जनरेटर लाइट की व्यवस्था। यहाँ पे से हमारे कोर्ट केंद्र, हमारे गांव का रास्ता। तो गाइस, अब हमारा हो रहा है ये सुबह का टाइम और पैदल का सफ़र, और मैं थक चुकी थी, पतिदेव ने पकड़ा पार्थ को और मैंने पकड़ ली है जोगे, तो चलते हैं अब हम।
इतना बढ़िया मंगा अपना माल्टा भी।